डेली रूटीन वाला खाना खाने का मन नहीं है अगर, तो उसको हम कैसे स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। इसके लिए आप लेंगे एक लोफ, उसमें करेंगे होल और उसको करेंगे ग्रीसिंग। ग्रीसिंग करने के बाद घर में जो आपका खाना बना है, जैसे आपके यहाँ दाल चावल सब्जी बनी है, तो आप इसमें पहले चावल की स्टफिंग करिए इस तरह से। सब्जी में आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं जो भी आपके यहाँ बनी हो, लौकी, भिंडी, टमाटर की सब्जी, छोले, राजमा, आलू की सब्जी, जो आपके यहाँ बना हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। जैसे आज मैं डाल रही हूँ छोले और आलू की सब्जी। सब्जी की स्टफिंग के बाद आप इसमें चाहें तो अगर आपके यहाँ कुछ चटनी बनी है तो आप इसमें चटनी स्प्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ अचार स्प्रेड कर रही हूँ। अचार भी जो आपके यहाँ अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो आप वो इस पर स्प्रेड करिए। अब इसके ऊपर जो घर में दाल बनी है आप उसको स्प्रेड करिए। दाल भी आप अच्छी भरपूर मात्रा में डाल सकते हैं और फिर इसको एक पॉट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। पॉट में हल्की सी ग्रीसिंग कर लेंगे और लोफ उठाकर पॉट में रख देंगे। अब आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ नमकीन डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ सेव डाल रही हूँ। अगर आप सैलेड पसंद करते हैं तो इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची कतरकर, हरी धनिया ये सब भी डालेंगे तो काफ़ी हेल्दी रेसिपी हो जाएगी। अब हम इसको OTG में 20 मिनट के लिए 230 डिग्री पर रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा लोफ एकदम रेडी है खाने के लिए। आपकी मर्ज़ी हो तो इसमें ड्रेसिंग करिए, जैसे यहाँ मैं ऊपर से दही डाल रही हूँ। आप चाहें तो दही के साथ काले चने, हरी मूंग, जैसा भी स्प्राउट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। यदि आप माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो इसे 5 से 7 मिनट के लिए रख सकते हैं और कन्वेक्शन मोड पर वही 20 मिनट के लिए इसे रखकर आप बेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तैयार है हमारी एकदम डिलीशियस और आसान डिश। आप इसे और रिच बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारा चीज़ डाल सकते हैं, और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी कतरी हुई सलाद डाल सकते हैं।